मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अल्पसंख्यक के विभाग के प्रदेश अध्यक्ष जावेद हबीब के आदेश के अनुसार नागपुर शहर अल्पसंख्यक के विभाग अध्यक्ष रिजवान अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नंदनवन पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जयवंत पाटिल को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई थी कि भाजपा आमदार नीतीश रानी पर FIR दाखिल की जाए। नीतीश रानी ने अहमदनगर में रविवार 1 सितंबर 2024 को मुस्लिम समाज को लेकर भद्दी टिप्पणी करते हुए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके नीचा दिखाने की कोशिश की है। रिजवान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता की कलम 302, 351, 2, 352, 353, 2 और 153 के अंतर्गत गुना दाखिल करने की मांग की है। ज्ञापन देते समय फराह खान, निशांत मिश्राम, वकार अंसारी, जावेद खान, माजिद इकबाल अंसारी, यूसुफ शेख, सलमान अनीस, रमा मिश्राम, फरजाना बेगम, दीपक मस्की, बेबी फातिमा, शाइस्ता शेख, सुहेल खान, शहजाद खान आदि का समावेश था। रविवार को 1 नवंबर को एक घटना हुई आमदार अहमदनगर में। आमदार नितेश राणे ने मुस्लिम समाज को लेकर के एक बहुत ही घटिया टिप्पणी करी। उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में कहा कि मैं मस्जिद में घुस करके चुन चुन करके मुसलमानों को मारूंगा। ये बहुत ही अच्छा, ये ठीक है आप रामगिरी महाराज के समर्थन कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे समाज को इतना गिरा करके इस तरह से बोले कि जो है वो ऐसा लगता ही नहीं कि मुसलमान जो है इस देश का नागरिक है, मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई अधिकार है। अब ये इस तरह की पहली हरकत नहीं है, ये हरकत वो कई बार कर चुके हैं। उनके जो पिताजी है वो भी जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने भी इस तरह के कई वक्तव्य दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई आज तक के। कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये होता रहा कि इनकी हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है, आज जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है भाजपा की सरकार है, ये भाजपा के मंत्री है, भाजपा के विधायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी वक्तव्य दें। आप जो है दूसरे समाज को उसको इज्जत देना इनका काम है। ये आगे भी ऐसा ना हो कि आज मुस्लिम समाज के लिए बोले हैं, कल वो दलित समाज के लिए बोले, परसों जो है वो सिख समाज के लिए बोले, फिर ईसाई समाज के लिए बोले या दूसरे समाज के लिए बोले। ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से अगर चलते रहेगा तो देश टुकड़ों में फिर बिखरने की तरफ जा रहा है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाएंगी। एक समाज का आदमी दूसरे समाज को मनुष्य नहीं समझेगा। हम वो लोग हैं, हम माननीय शरद चंद्र पवार साहब के जो है वो मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हमारे को पवार साहब ने ये नहीं सिखाया, हमारे को पवार साहब ने 80% समाज कारण और 20% जो है राजकारण बताया कि हमको राजकारण नहीं करना है, हमको सभी समाजों को एक साथ लेकर के चलना है। अगर समाज के टुकड़े होते रहे तो फिर ये हम जो है 1947 की तरफ जो है फिर बढ़ रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने इस देश को जब बनाया तो उसके अंदर सभी को बराबर का अधिकार दिया गया, उसके अंदर एक पारसी को भी उतना ही अधिकार है, उसमें एक दलित को भी, एक मुसलमान को भी और एक हिंदू समाज का कोई सी भी जो है वो वर्ग हो उसको भी उतना ही अधिकार है, उसको भी वोट डालने का उतना ही अधिकार है जितना जो है मुसलमानों का अधिकार है। ये समाज इसलिए नहीं बनाया गया, ये संविधान इसलिए नहीं बनाया गया था और देश को जो है इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें करें। हमको एक दूसरे को मान सम्मान दे करके हमको देश को आगे लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है, कामयाब होना है और दुनिया के नक्शे के ऊपर भारत एक ऐसा देश बनकर और उभर कर आए कि जिसके अंदर लोग मिसाल दे कि देखो उस भारत के अंदर सभी समाज के, सभी धर्म के और सभी समुदाय के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और सम्मान है। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुत के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।